गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी बेटर एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, आपको रूट्स फाइंड करने हैं और रूट फाइंड करने हैं आपका मेथड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लियर? तो इससे पहले आप एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 में आपने रूट फाइंड किए हैं, बट वहाँ पे आपका मेथड था फैक्टोराइजेशन मेथड, और आज का आपका इस वीडियो में आपको करने हैं रूट्स फाइंड्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्लियर? तो इसे इसको सॉल्व करने से पहले आप सवाल को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। क्लियर? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ के यहाँ पे हम तीन कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, डी इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड कंडीशन, डी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन है आपकी डी लेस देन जीरो। डी क्या है? डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डी से नोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू रख के निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखिए पहली कंडीशन में क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी है तो क्या होगा, द रूट्स आर रियल। द रूट्स आर रियल, रियल रूट होंगे एंड क्या होंगे, अनइक्वल या डिफरेंट कह सकते हैं। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर d इज इक्वल टू जीरो, यह आपका सेकंड कंडीशन है, तो यहां पर भी आपका द रूट्स आर रियल एंड क्या होगा, इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे? यहां पे अनइक्वल कह सकते हैं या मैंने कहा डिफरेंट, क्या होंगे, डिफरेंट। और यहां पे आपका है द रूट्स आर रियल एंड क्या है, इक्वल, इक्वल रूट्स। अब तीसरी कंडीशन है d इज लेस देन जीरो, अगर d की वैल्यू जीरो से कम है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो इस कंडीशन में आपके रूट्स आर नॉट रियल, तो आपका रियल रूट नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये तीन कंडीशन यहाँ पे पढ़नी है। अगर फर्स्ट कंडीशन है तो भी आपका क्या है, यानी कि आप इस क्वेश्चन के उसमें कहें तो इफ दे एग्जिस्ट, फर्स्ट कंडीशन है तो आपकी एग्जिस्ट होगी। सेकंड कंडीशन है तो भी आपका एग्जिस्ट होगा। थर्ड कंडीशन है तो नॉट एग्जिस्ट, थर्ड कंडीशन आपकी अप्लाई होती है तो आप कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, तो आपको कोई भी मेथड से आप रूट फाइंड नहीं करना है, जबकि आपका यहाँ पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। ठीक है? अगर आपको दो कंडीशन है यहाँ पे, पहली कंडीशन में भी आपके एग्जिस्ट होगा और सेकंड में भी आपका एग्जिस्ट होगा, ये कंडीशन आपके हैं, तो आप क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका सवाल है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे। इसके हमने यहाँ पर चार पार्ट लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। कंपेयरिंग करते हैं x² + bx + c से, तो a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू आपका 3। क्या है, कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको हम कंपेयर करेंगे x² + bx + c से, a इज इक्वल टू आपका 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b से नोट करते हैं, क्या होता है b² - 4ac। अब देखिए b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी 2, c की वैल्यू क्या है 3, -7 का स्क्वायर 49, ये आपका क्या हो गया 4 2 8 3 24, आपका 25। तो यहाँ पे आपकी d इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर? तो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, क्या होगा, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स होंगे। कंडीशन आपकी क्या कह रहा है, एग्जिस्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है।
तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको इसको रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। देखिए सबसे पहले सेल्फ में देखते हैं कि 2x स्क्वायर क्या है, रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस आपका क्या है 7x, इसको हम लिखना चाहे तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट 3 का। अब आप क्या होता है माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका क्या है सेल्फ में आपका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, देखिए सेल्फ में नहीं बन रहा है तो क्या करें, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है क्या है 2, तो 2 को यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, क्लियर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7y2x प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 0 होगा। अब क्या करें, इसको हम एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं माइनस 2 ए, ए क्या है आपका एक्स, क्लियर। अब हमें यहाँ पे बी लेना है और बी देखिए ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, बी की वैल्यू को यहाँ पे हमें निकालना है, एक बार बी की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पे ए की आपको है एक्स, बी की, अब देखिए बी की वैल्यू क्या होगी कि 2 का एक्स का और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू माइनस 7/2x होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7/2x। तो यहाँ पे क्या करें कि हमारा 7/4, बी की वैल्यू क्या है 7/4, क्योंकि 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा 7/2x। तो यहाँ हम इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा बी, क्लियर। तो 2 माइनस 2ab, तो क्या करें यहाँ पे बी है नहीं है, तो क्या करें 7/4 का स्क्वायर इसमें जोड़ो और 7/4 का स्क्वायर इसमें से घटाइए प्लस आपका 3/2 है तो सेम रहेगा 0। बोलो यहां तक समझ में आया, फिर देखो ध्यान दें कि आपको यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 2, आपके फॉर्मूले में होता है ए आपकी वैल्यू हो गई एक्स हो गई, अब आपको बी निकालना है और मैंने कहा बी की वैल्यू जो रखेंगे वो इस प्रकार से रखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू ये रहनी चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। तो क्या होगा ये 4, 7/4, 2 से कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आपका 7/2x होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये आप देखेंगे तो ये ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आपका इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी वैल्यू क्या है माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 49/16 प्लस आपकी 3/2 इज इक्वल टू क्या है 0, क्लियर। अब देखिए अब आगे सॉल्व करें इसको, क्या है एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आ गया आपका 16, माइनस के 49 प्लस ये आपका हो गया 24 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम इधर ले जा सकते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। अब एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, क्लियर। अब क्या करें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स देखिए एक बार तो ये वैल्यू प्लस और एक बार प्लस लेनी है और एक बार माइनस लेनी है, तो यहाँ पे एक बार हमें वैल्यू लेनी है प्लस, तो 5/4 हो गया और ये वैल्यू जो माइनस के 7/4 है ये आपका इधर क्या होगा प्लस, तो क्या हो गया 7/4, तो वैल्यू हो गई 12/4 यानी कि 3, क्लियर। अब एक बार देखिए ये वैल्यू हमें एक बार माइनस लेनी है तो माइनस के 5/4, बट ये वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये आपका आ गया 2/4 और ये हो गया आपका 1/2, तो आपके रूट्स हो गए, रूट्स क्या हो गए आपके
आपके रूट्स हो गए, हैज द रूट्स, हैज द रूट्स थ्री एंड हैज द रूट्स थ्री एंड वन बाई टू, ये आपके रूट्स होंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, सेकंड वाला पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस फोर इजिकल टू जीरो, वही कॉम्पेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, ए इजिकल टू टू, बी इजिकल टू वन, सी इजिकल टू माइनस फोर, डी निकालेंगे, यानी डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू है वन माइनस फोर, ए की वैल्यू आपका टू और सी की वैल्यू माइनस फोर, वन माइनस माइनस हो गया आपका क्या प्लस, तो ये हो गया आपका थर्टी टू यानी आपका थर्टी थ्री, तो ये भी आपकी क्या है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर क्या है, रियल, रियल रूट्स है, हैज द रूट्स आर रियल, तो इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट वाली बात है तो क्या करेंगे, दे आर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब आप रूट्स फाइंड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में भी कि आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है सेल्फ में, तो क्या करेंगे, आपका जो कोफिशियंट है, और कोफिशियंट है आपका यहाँ पर टू, तो टू का आपको डिवाइड करना है बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू माइनस टू इजिकल टू जीरो, क्लियर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है टू, ए, ए क्या है आपका एक्स, बी क्या होना चाहिए, उसी की तरह बी क्या होना चाहिए भाई, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई टू होना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी उसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी टू ए बी सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो एक्स वाई टू आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन बाई फोर, तो टू से कैंसिल करने के बाद फोर को आपका एक्स वाई टू बचेगा, तो इस प्रकार से बी आपने निकाल लिया, बी आपको मालूम हो गया, बी होता है, बी हो गया यहाँ पे वन बाई फोर, तो क्या करें वन बाई फोर इसमें जोड़ दीजिए वन बाई फोर का स्क्वायर, और वन बाई फोर का स्क्वायर इसमें से घटा दीजिए, क्लियर। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये आपका माइनस के टू इजकल टू जीरो, सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे मैं ये कह दूं अंडरलाइन पहले की तरह, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ तक आपका क्या हो गया एक्स प्लस वन वाई टू का एक्स प्लस वन वाई फोर का होल स्क्वायर, क्लियर। एक्स प्लस क्या हो गया वन वाई फोर का होल स्क्वायर हो गया, अब वन बाई फोर का होल स्क्वायर हो गया, शेष क्या है आपका माइनस के वन बाई फोर क्या हो जाएगा वन बाई सिक्सटीन माइनस टू इजकल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन आपका एलसीएम, तो आपका माइनस के वन और माइनस के आपका सिक्सटीन है, तो यह हो गया थर्टी टू इजकल टू जीरो, एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन इजकल टू जीरो। अब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा थर्टी थ्री बाई सिक्सटीन, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर जाने पर क्या हो गया पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस, क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स प्लस वन अपॉन फोर इजिकल टू प्लस माइनस रूट थर्टी थ्री बाई फोर, वही वाली बात, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव,
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 33 बाई 4 और ये आपकी वैल्यू है दोनों में आपका क्या होगा माइनस के 1/4। तो सॉल्व करने पर रूट 33 माइनस 1/4। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू, अब आपको ये नेगेटिव लेना है तो रूट 33 बाई 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस के रूट 33 माइनस 1/4। तो इस प्रकार से हेंस द रूट्स क्या है रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4 ये आपकी वैल्यू निकल के आए रूट्स। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट और देखें, नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4x² + 4√3x + 3 इक्वल टू 0। देखिए मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 इसको √3 का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है 2ab 2x × √3। तो आप देखिए 2 × 2 क्या हो गया 4√3x। तो आपका यहाँ पे सेल्फ में स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2x + √3² = 0। क्लियर। और आप डिस्क्रिमेंट निकाल लेंगे, पहले मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, पहले उसका डिस्क्रिमेंट निकालें। डिस्क्रिमेंट निकाल के करें तो देखिए आपको यहाँ दे रखा है, कंपेयरिंग करें a = 4 b = √3 और c = 3। क्लियर। तो आपको d निकालना है b² - 4ac, b क्या है 4√3 - 4 × a × 3, आपका 4√3 का स्क्वायर है माइनस 4ac, तो 4√3 का क्या हो जाएगा 16 × 3 = 48 माइनस 48 = 0 d = 0। तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे और क्या है एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो मैं कह रहा था 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसको मैंने कहा था 2x का स्क्वायर प्लस इसको मैंने कह दिया √3 का स्क्वायर, ये हो गया 2ab। क्लियर। तो ये 2x + √3 का सेल्फ में ही आपका स्क्वायर बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो इसलिए आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x + √3 = 0 और 2x + √3 = 0, 2x - √3 और ये 2x = -√3, 2x = -√3, x = -√3/2, x = √3/2। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा फोर्थ है, अब फोर्थ पार्ट को देखेंगे तो 2x² कंपेयरिंग करेंगे a = 2 b = 1 c = 4, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d क्या होता है b² - 4ac, d आपका b की वैल्यू 1 1² - 4ac 1 माइनस आपका क्या हो गया 32, तो क्या हो गया आपका माइनस के 31, तो d less than 0 है तो रूट्स नॉट रियल, तो रूट्स नॉट रियल तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने हैं। थैंक्स।